मुझे तो नींद नहीं आ रही। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, आज हमारी टीचर ने सुनाई थी। अच्छा चलो सुनाओ फिर। ठीक है सुनो। एक दफ़ा एक मछेरा होता है, वो डेली उतनी ही मछली का शिकार करता जितनी से उसका गुजारा हो जाता, और जब तक वो ख़त्म ना होती वो शिकार पर दोबारा नहीं जाता था। एक दिन हुआ कुछ जूं, जब वो मछली पकड़ के लाया उसने अपनी बीवी को वो पकाने के लिए दी। उसकी बीवी ने जब उसे काटा तो अंदर से उसे बहुत कीमती मोती मिला। वो मोती बहुत खूबसूरत था, यहाँ तक कि उसकी अंधेरी झोंपड़ी को रोशन कर दिया उसने। अच्छा सच में? हाँ हाँ आगे तो सुन लो। इसे बेटा आप लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? जी मम्मी बस ये कहानी सुन ले फिर सोने जा रही हैं। ठीक है जल्दी सो जाना। अच्छा तो फिर क्या होता है? वो मोती अपने खावंद को दिखाती है, जब वो देखता है तो कहते हैं तो बहुत कीमती लग रहा है, चलो इसे बेच के कुछ और खाने को नसीब होगा, वैसे भी मछली खा खा के हम बोर हो गए हैं रोज़। उसकी बीवी से कहती है ऐसे करो किसी सुनियार के पास लेके जाओ इस मोती को, वो इसकी सही कीमत लगाएगा। अच्छा तो फिर वो गया। हाँ भाई सब्र तो करो सुना रही हूँ ना। फिर सुनार के पास जाता है, कहते मेरी दुकान में तो सारे जीपर भी अगर तुम्हें मैं दे दूँ इसकी कीमत कम है, ये मोती बहुत कीमती है, तुम शहर में जाओ वहाँ पे मैं तुम्हें एक सेठ का पता देता हूँ, वो बहुत अमीर है, हो सकता है वो इसे ख़रीदने की इस्तेदाद रखता हो। अच्छा चलो वॉक भी करते हैं साथ साथ, मुझे कहानी भी सुनाते जाओ। ठीक है। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर वो जब वहाँ जाता है उस शख्स ने जब उस मोती को देखा वो हैरान रह गया, कहा कि मुझे तो इसी की तलाश थी। ये मोती मुझे दे दो और तुम जितनी दौलत चाहो मेरे खजाने में से ले सकते हो, मैं तुम्हें पूरा दिन देता हूँ इसके लिए। और मोती को अपने पास रख लिया और उसे खजानागाह में भेज दिया। जब वो वहाँ गया तो देख के हैरान रह गया, वहाँ इतना खाने पीने का सामान देखा, रेशमी सोने के बिस्तर देखे और चमकता हुआ खजाना देखा। उसने सोचा पहले खा लेता हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना अच्छा खाना देखा है। वो खाने का सामान देख के बिल्कुल बावला हो गया, खुशी में झूम उठा और हर चीज़ को खाने लगा, यहाँ तक के खाते खाते बहुत वक्त गुजर गया। फिर उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर सो लिया जाए, और वो आराम से सो गया और उसे पता ही ना चला कि सोते सोते कितना वक्त गुजर चुका है, सारा दिन वो गुजार चुका था। और इतने में किसी और उस सेठ ने आके उससे जगाया, जब उसे टांग मारी तब उसे पता चला, उसे कहा गया कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, अब निकल जाओ यहाँ से। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत मिन्नतें समातें की कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं कुछ तो ले लूँ इस ख़जाने में से, मगर उसने कहा नहीं तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है जो तुम्हें दिया गया था, तुम अहमक आदमी अपनी गफलत में पड़े रहे, तुम्हें ये नहीं पता चला कि अगर तुम यहाँ से ख़जाना जितना चाहे ले जाते पूरे दिन, और जो आराम आसाइश तुम लेना चाहते थे वो इससे ख़रीद सकते थे, निकाल दो इसको, नहीं मुझे थोड़ा वक्त दे दो मुझे थोड़ा, और यूँ उसको वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया गया। वो अपनी बेवकूफ़ी के बाइस अपनी दौलत यूँ उसने अपनी बेवकूफ़ी के सबब अपना मोती भी खो दिया और वो तमाम का तमाम ख़जाना भी, और गरीब का गरीब रहा। इस कहानी से मैं समझ गई हूँ क्या सबक मिलता है, हाँ बताओ। हमें दुनिया के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, हमें दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मेहनत करनी चाहिए, वक्त पे सही फैसला करना चाहिए, ना कि गाफल रहें और सुस्ती में ही अपना मालूम मता खो दें, अपना नुकसान कर दें।
हाँ बहुत हद तक तुम समझ गई हो। चलो अब वक्त ज़ाया नहीं करना, वो स्कूल टाइम पे जाना है, सोने चलते हैं। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छी कहानी सुनाई तुमने।